अपने प्रतिद्वंदी से निपटने के लिए एक अपराधी ने मध्य प्रदेश से 2 पिस्तौल और 4 कारतूस खरीदे। शनिवार की देर रात गश्त के दौरान जरीपटका पुलिस ने उसे कार में घूमते देखा और तलाशी के दौरान पुलिस ने 2 पिस्तौल और 4 कारतूस पकड़े हैं। आरोपी संघर्ष नगर निवासी चेतन मिश्राम बताया गया। हथियार उसने अपने दोस्त की मदद से खरीदा था, इसलिए पुलिस ने उसके दोस्त अमर ज्योति नगर निवासी विकी मिश्राम को भी गिरफ्तार कर लिया। शनिवार रात 12:30 बजे के दौरान जरीपटका पुलिस परिसर में गश्त करी थी। इसी दौरान भीम चौक पर एक युवक संदेहास्पद स्थिति में कार से जाता दिखाई दिया। पीछा करके पुलिस ने वाहन को रुका। सीट के नीचे पायदान के पास उसने 2 पिस्तौल और कारतूस छुपा के रखी थी। पुलिस ने कार, पिस्तौल, कारतूस और मोबाइल सहित 9,40,000 रुपए का माल जब्त किया है। पिस्तौल के बारे में पूछताछ करने पर चेतन ने बताया कि वह मित्र विकी के साथ इंदौर गया था। विकी की मदद से ही उसने धानी परिसर से पिस्तौल खरीदी। पुलिस दस्ते के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए रविवार को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस कर्मियों का सत्कार भी किया। काल आमच्या पुलिस स्टेशन हद्दी मध्ये रात्री नाईट पेट्रोलिंग दरम्यान आमचे 4 पोलीस अंमलदार जे होते बीट मार्शल्स, त्याच्यामध्ये पोलीस हवालदार प्रमोद राऊत, त्याच्यानंतर पोलीस नाईक प्रशांत महाजन, पोलीस नाईक रामचंद्र गजभे, पोलीस नाईक राजेश टापरे, तसेच त्यांच्यासोबत इतर 2 होमगार्ड देखील होते। हे पेट्रोलिंग दरम्यान पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना एक संशयित 4-चाकी वाहन मारुती ब्रिझा, जी गुजरात पासिंगची गाडी होती, ती मिळून आली। त्या गाडीच्या हालचाली संशयास्पद आणि त्यातील व्यक्तींच्या हालचाली संशयास्पद असल्याने आमच्या बीट मार्शलने इतर ह्या सर्व पोलीस अंमलदारांनी एकत्रितपणे त्या गाडीला थांबवलं। तर त्या गाडीला थांबवल्यानंतर आमच्यातील पोलीस अंमलदार राजेश टापरे हे किरीपासून इथे काम करत असल्याने त्यामध्ये एक चेतन मिश्राम नावाचा इसम त्या गाडीमध्ये स्वतः गाडी चालवत होता। हा व्यक्ती आपल्या नागपूर शहर कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।